नॉर्थ जोन फोरेंसिक लेबोरेटरी धर्मशाला में पिछले एक वर्ष से डीएनए लैब को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 200 के करीब केसों में डीएनए की रिपोर्ट प्रदान की जा चुकी है, जिससे पोक्सो, रेप, मर्डर जैसे कई केस सुलझाने में बड़ी मदद मिल पाई है। फॉरेंसिक लैब नॉर्थ जोन धर्मशाला की उपनिदेशक डॉक्टर मीनाक्षी महाजन ने बताया कि इसके अलावा नशे के कारण ओवरडोज से हुई मौत के मामले भी उनके पास पहुंच रहे हैं। देखिए, डीएनए जो है हमारा यहाँ पे नॉर्दर्न रेंज के जितने केसेस हैं, चाहे पॉक्सो के रिलेटेड केसेस हैं, मर्डर रिलेटेड केसेस हैं, ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड केसेस हैं, या कोई और जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नहीं पॉसिबल हो पाता, म्यूटिलेटेड बॉडीज हैं, उन केसेस में डीएनए एनालिसिस फैसिलिटी हमने वर्ष 2000 में जब हमारे पास एक ऑफिसर रिक्रूट हुए उसके बाद हमने स्टार्ट किया था। तो पहले ये पुरानी बिल्डिंग से ही हमारा काम शुरू कर दिया था, क्योंकि कोविड के टाइम में एक चैलेंज था कि सैंपल्स को जुन्गा तक पहुँचाना और उनका रख रखाव करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मेरे एक्सपर्ट्स ने जो है समय रहते हुए जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग से इसका बंदोबस्त किया, मशीन्स हेडक्वार्टर से आई गई, उन मशीनों के उससे काम शुरू कर दिया डीएनए एनालिसिस का। और आज के टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2018 में एक डीएनए बिल्डिंग का उद्घाटन भी यहाँ पे उस फाउंडेशन स्टोन किया था, जो जनवरी 2021 में बन के तैयार हो गई थी। तो अब जो है हमारा नई बिल्डिंग से डीएनए एनालिसिस का काम जो है चल रहा है, और लगभग हमने करीबन 150 से 200 केसेस में रिपोर्ट्स इशू भी कर दिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। पॉक्सो केसेस हमारी प्रायोरिटी रहती है और रेप केसेस हमारी प्रायोरिटी रहती है कि जल्द से जल्द इन केसेस में जो है हम अपनी रिपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को दे दें, ताकि ट्रायल जो है जल्दी शुरू हो पाए। सर, डीएनए जो फॉरेंसिक पर्पसेस के लिए ऑलमोस्ट हर लेबोरेटरी जो स्ट्राइक कर रही थी कि डीएनए एनालिसिस शुरू हो जाए, और हर फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में ये डीएनए एनालिसिस फैसिलिटी है। लेकिन जहाँ तक रेंज की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में रेंज लेवल पे डीएनए फैसिलिटी शुरू कर दी गई है, ताकि जो है रेंजेस से जो हिमाचल की टॉपोग्राफी है, मुश्किल टॉपोग्राफी है, शिमला तक सैंपल ले जाना, फिर उनकी एकोमोलेशन हो जाना, लेसर नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स हो जाएँ, तो लॉ की नीड पूरी नहीं हो रही थी और एक कॉमन मैन से जस्टिस नहीं हो पा रहा था। इसलिए गवर्नमेंट का ये एक वो रहा मैंडेट रहा कि हम इसको नीचे अपने रेंज लेवल की लेबॉरेटरीज में ले जाए, और हमारे पुराने डायरेक्टर साहब और प्रेजेंट डायरेक्टर साहब ने भी जो है काफ़ी इसमें योगदान दिया कि डीएनए फैसिलिटीज रेंज लैब में फुल फ्लेज एस्टैब्लिश हो गई और आज जो है हम यहाँ से रिपोर्ट दे रहे हैं। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निरपजीत निपी की रिपोर्ट।